शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है। मैं आज आप लोगों को नाना साहब की पुत्री नामक पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूँ। सब लोग ध्यान दीजिए। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में भरिए। सेनापति की बातें सुनकर राजा के होश उड़ गए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? होश उड़ जाना ये मुहावरा, तो इसका अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना। तो उचित विकल्प है सी बच्चों। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रिक्त स्थान में लगाया जाने वाला उचित विराम शब्द यह है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? विस्मय सूचक आना चाहिए बच्चों। तो सही उत्तर ये है, विकल्प डी। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। संधि विच्छेद कीजिए। स्वच्छ का संधि विच्छेद करना है बच्चों, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, ठीक है बच्चों। चौथा है, अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। समास विग्रह करने पर हत्याकांड, हत्या का कांड, तत्पुरुष समास है बच्चों। बालिका केवल रो रही थी, निपात पहचानिए। तो इसका उत्तर है, बालिका केवल रो रही थी, तो केवल निपात कहा जा रहा है बच्चों। छठा प्रश्न है, मुझे कुछ समय दीजिए रेखांकित का पद परिचय। मुझे, तो ये क्या होता है देखिए, उत्तम पुरुष, सर्वनाम, एकवचन। बड़े दुख का विषय है विलोम शब्द, दुख के लिए क्या आता है? सुख। मैं सरकार का नौकर हूं, रेखांकित शब्द का लिंग पहचानिए। सरकार, सरकार का लिंग क्या होता है बोलिए? पुल्लिंग, ठीक है। जिसने कोई अपराध ना किया हो उसे क्या कहते हैं? निरपराधी। जिसने कोई अपराध ना किया हो निरपराधी कहते हैं। मेरा बेटा बकरी को घुमाया, वाक्य शुद्ध करने पर। मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, ठीक है बच्चों। तो ये रहे आज के उत्तर बच्चों। धन्यवाद।